अलग ही मजे है भाई, अलग ही मजे है। हेलो जी नमस्ते, वेलकम टू द चैनल द राइडर MP09। तो गाइस आज संडे और मैं आज संडे राइड की बाइक लाइनअप का आपको चेक करा दूं। तो इधर आप चेक करो, अपने पास काफ़ी ज़्यादा लाइनअप है आज के व्लॉग में। तो भाई साहब इधर मैं चेक करा दूं आपको सबसे पहले, यहाँ पर वाइट R1, NS200, ब्लू R1, ब्लैक R1, फिर अपनी KTM की ड्यूक, फिर रेड R1, फिर अपना RS, और फिर यहाँ पर तो अनदर R1। तो गाइस काफ़ी तगड़ा लाइनअप है और आज की राइड होने वाली भाई हमारी अपने छोटा अमरनाथ के लिए, और अपने सभी भाई लोग खुद पर आ चुके हैं इधर में और कुछ अपने भाई लोग उधर बैठे हैं। तो गाइस काफ़ी तबाही राइड होने वाली है और आज का जो रूट है वो अपना रहेगा जामगेट साइड वाला, क्योंकि गाइस वहीं से अपन को शॉर्टकट लेना पड़ेगा छोटा अमरनाथ के लिए। तो काफ़ी तबाही मज़े आने वाले हैं और भाई सब इधर चेक करो भाई क्या ही तबाही है। तो राइड स्टार्ट करते हैं, मिलते अपन आगे मोटर ब्लॉगिंग के सेटअप पर। सो लेट्स गो। सो गाइज आज आने वाले तबाही मज़े, क्योंकि अपने पास ब्यूटीज है काफ़ी तगड़ी और यहाँ पर बस भाई साहब क्या ही बोला है, फुल्ली लोडेड तबाही सीन है। RC अपनी और सभी भाई लोग फुल पावर फॉलो करते हो मुझे, क्योंकि गाइज यार पता नहीं था कि ये वाली लोकेशन पर जा रहे हैं। तो गाइज आज की लोकेशन है भाई खुद्र महादेव, और जो कि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ बट भाई लोगों के साथ राइड में निकला हूँ तो भाई फिर जाना बनता है। और यहाँ पर सभी भाई लोग एकदम फुल पावर तबाही गाइस, चेक आउट साउंड भाई साहब तबाही। बस भाई हाइपर राइड हो पर कोई सीन ना हो, बाकी तो तबाही सीन है। ओ भाई ये क्या सीन भाई, भाई साहब भाई ने तबाही एग्जॉस्ट लगा रखा है। और यहाँ पर भाई है स्पीड ब्रेकर, तो स्लोली स्लोली आइए और कोई सीन ना क्रिएट हो। ओ भाई किचम बिच्ची वाली काम चल रही है यार गाइस, यहाँ तो फिर किचम बिच्ची हो और फिर हम ना खींचे तो फिर क्या बात है। गाइज फुल पावर यहाँ से निकल चुके हैं एकदम तबाही, और सभी भाई लोग आने लगे हैं क्योंकि गाइज यार समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी हम इधर ही घूम रहे हैं, समझ रहे हो आप। सो लेट्स गो। हाँ भाई साहब फिलहाल अभी हम कुछ, और सभी भाई लोग यार इतनी जल्दी हाइपर हो जाते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं अब। बाकी इधर का रूट तो खैर आप जानते ही हो और हम
छोटा अमरनाथ के लिए निकल चुके हैं और आगे भी चेक करो आप, काफ़ी तबाही है। काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, बस कोई भाई कोई सीन क्रिएट ना करे। और तो मेरे आगे चल रही है तीन तीन कार्बन भाई साहब, तो भाई लोग यार क्या बाइक चला रहे हैं यार, जैसे कहा यहाँ रेस लगी पड़ी है। हाँ पर इस हिसाब से चलेंगे तो काफ़ी तबाही लगेगी भाई। निकलने का वहाँ से तो निकालो भाई, मतलब कहीं से भी घुसा दो भाई। क्रेजी बंदे, पूरे क्रेजी कि अपने साथ कोई सीन हो सकता भाई, इतना अभी कोई ध्यान नहीं है। चलो चलो, अरे अरे नहीं यार, गाली बक रहे यार भैया, अरे यार गलती तूने गाली बक रहे, अबे गलती अपनी है यार, तूने देखा भी नहीं। अरे गलती मान रहा हूँ मैं, मना नहीं कर रहा हूँ, गलती खत्म करो उसको, जान दो उधर तो हर कोई, अपन भी किसी को ठोक ठाक देंगे। अरे कुछ नहीं यार, चल हटा भविष्य। तो गाइस यार सोच रहे थे कोई सीन क्रिएट ना हो, और साला खड़े खड़े ही सीन क्रिएट हो जाते हैं यार, क्या ही बोलो यार। भाई भी अब क्या बोला यार गाइस, यार अपने भाई लोग सभी साथ में चले ना तो भाई तबाही मजे आए।
कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। तो लेट्स गो गाइस, अब ज़्यादा दूरी है नहीं अपने और अपने थोड़ा अमरनाथ के बीच में, तो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई नीचे, और मेरे सभी भाई लोग आ रहे हैं भाई फुल पावर। नीचे हम जा रहे हैं भाई दर्शन करने के लिए, और यहाँ से भाई व्यू चेक करो आप नीचे अपने यहाँ छोटे अमरनाथ जी का। भाई अभी तो आपको रेलिंग दिखेगी, हाँ भाई नीचे तक आपको रेलिंग दिखेगी, और अभी चल रहा है भाई ठंड का टाइम, तो हरियाली जो कि है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है भाई, थोड़ी बहुत बची है जो कि सूखी हुई घास है। बाकी व्यू यहाँ का आप देखोगे, और सुबह सुबह के टाइम आप अगर आते हो तो भाई आपको एकदम तबाही व्यू देखने को मिलेगा। और आप चेक कर रहे हो भाई यहाँ का वेदर, एकदम ठंडा ठंडा माहौल है, बाकी धूप काफ़ी हो रखी है, और समय समथिंग मेरे ख्याल से, मैं देख ही लेता हूँ मैं कितने बज रहे हैं फिलहाल, अभी बज रहे भाई समथिंग 12 बजने वाले हैं। भाई नीचे का व्यू भी काफ़ी तबाही है, बाकी मैं चलता हूँ नीचे आपको दर्शन वगैरह भी कराता हूँ बाकी। तो गाइस मैं चलते चलते काफ़ी नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पर भाई मुझे कुछ झरने की आवाज़ भी आ रही है, और ऊपर का सीन देखो भाई, काफ़ी हम ऊपर से आए हैं, उधर से आया हूँ फिलहाल, आया हूँ तुम्हें इधर से। बाकी चलते हैं नीचे, देखते हैं भाई पानी की आवाज़ आ रही है तो भाई मतलब झरना भी होगा। और नीचे आते से ही भाई ठंडा माहौल स्टार्ट हो चुका, मतलब एकदम वेदर पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है इधर का, और यहाँ पर भाई पानी वानी गिर रहा है भाई तबाही। ओ भाई साहब, हाँ है ना। तो भाई सब नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि भाई बारिश में जो झरने वगैरह चलते हैं ना भाई एकदम तबाही। बाकी नीचे चल के देखते हैं भाई क्या सीन है। भाई साहब खतरनाती लोकेशन है, जय श्री राम। ओ भाई ये हो प्रभु, गाइस भाई साहब ये लो। तो गाइस आ चुके हैं फाइनल नीचे, उधर है मंदिर छोटी चुकवा, मैं जाता हूँ फिर आपको कराता हूँ दर्शन। तो चलते हैं गाइस अंदर, मैं कराता हूँ आपको दर्शन अपने शंकर भगवान जी का। शिवलिंग है यहाँ पर भी एक छोटा सा, जी हो प्रभु। और बाबा फिसलन भरी जगह है, और आप इधर चेक करो भाई गुफा कितनी मतलब खतरनाक सी है, मतलब ज़्यादा तो नहीं वहाँ तक है। बाकी चलता हूँ मैं अंदर, कराता हूँ आपको दर्शन, जो हो प्रभु। भाई साहब अंधेरा काफ़ी है, और गुफा कुछ इस टाइप की है। भाई साहब मैं टॉर्च जलाकर आपको दिखाऊं अपने प्रभु जी कहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब पानी ही पानी गिर रहा है भाई साहब, जो हो प्रभु। तो गाइस चेक करो, जो हो प्रभु। तो गाइस ये अपने प्रभु जो कि यहाँ पर विराजमान है इस गुफा में, और बाकी आप चेक कीजिए। ओ भाई जय हो प्रभु। तो गाइस ये कुछ गुफा है इस टाइप की, और यहाँ पर एक घंटी भी लगी हुई है काफ़ी तबाही। भाई साहब चेक कर रहे हो गाइस कितना उजाला है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बल्ब भी लगा है, लाइट कनेक्शन है, बट यहाँ पर अभी भाई इस टाइम पर बल्ब चालू नहीं है। बाकी इधर आप चेक करो क्या ही तबाही लग रहा है भाई, वाह क्या ही तबाही। बाकी चलते हैं अपन बाहर। ओहो गाइस काफ़ी तबाही, जो हो प्रभु। भाई साहब हो बाकी इधर भाई झरना गिर रहा है, और बारिश का कुछ समय नहीं है, और यहाँ पर भाई इतने खतरनाक सा ठंडा माहौल है ना भाई, अल्टीमेट भाई इसके सामने तो इसी भी फेल है। कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ का, काफ़ी तबाही है, और ये भाई गुफा है छोटी सी, शानदार भाई शानदार, वो शानदार भाई। वो जो भाई पानी गिर रहा है ना भाई, यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई ये जो अपना आता है ना शिलाजीत, उससे होकर आता है, क्योंकि यहीं कहीं शिलाजीत का कुछ है ऐसा मैंने सुना है पहले, मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है। तो भाई यहाँ का पानी भी काफ़ी पावरफुल है, मैं अभी पीऊँगा देखता हूँ, बाकी मिलते अपन आगे। तो गाइज घूमना फिरना अपना फुल पावर हो चुका है, अभी निकलने का समय हो चुका है घर के लिए, और भाई यहाँ पर अपन ने स्विच कर दिया अपना कैमरा आगे, और आपका भाई लेगा आगे से कुछ शॉट्स जो कि आपको मेरी वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स दिखाने के लिए, और भेज के आप। भाई साहब क्या निकला बंदा यार,
मैं लीन मारने के लिए बाइक मैंने इधर झुकाई, वो तो अच्छा हो भाई कि जैसा बंदा निकला मैंने खट से बाइक अंदर दबा ली। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या था, मतलब यार एकदम सुन सपाट निकलते हो यार, पता ही नहीं चलता भाई सीन क्या चल रहा है। और ये चूरी उरी बड़ी हुई है तो भाई साहब क्या ही बोले, लीन करने में थोड़ा सा सीन हो जाता है। भाई साहब दवाई रूड है, स्पीड ब्रेकर है, स्लोली स्लोली चलना पड़ेगा, लीन है कुछ। ओ गाइस बूम, भाई साहब अलग ही लेवल के मजे चल रहे हैं भाई इधर। भाई दवाई दवाई सीन भाई दवाई, भाई साहब बाकी अपने सभी भाई लोग पीछे पीछे आ रहे हैं बिकॉज काफ़ी दूर जाना है अभी। गाइस जय माता दी, गाइस मंदिर है, माता जी बैठे हैं। गाई 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 दवाई 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 दवाई, ओ बाबा। गाइस गोप्रो गया अपना आगे, कुछ परफेक्ट एंगल ये है भाई साहब, दवाई सी दवाई दवाई। भाई अल्टीमेट गाइस, अलग नहीं मान रहा है, हैंगर फुल पावर जाने दे रहे हैं। तो भाई लोगों आज की राइड कैसी क्या लगी भाई आप सभी को, भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई फिलहाल आपका भाई आ चुका है एकदम घर के पास, मतलब घर साइड ही। और अपने सभी भाई लोगों को भी कर दिया अपन ने अलविदा बिकॉज वो भी निकल गए उनके घर के लिए। तो मैंने कहा गाइस अपन भी चलते अपने घर के लिए। और गाइस वो लोग कैसा क्या लगा भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो आपके छोटे भाई को फुल सपोर्ट करना। बाकी अपने भाई लोग इधर फुल पावर एकदम बड़े हैं। तो आज का व्लॉग कैसा क्या लगा भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।